असलकुम दिस इज लोन मुजफ्फर विद क्लास फिफ्थ इंग्लिश ग्रामर आवर टेज टॉपिक इज काइंड्स ऑफ ना हमने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉपर ना एंड कलेक्टिव ना नेम ऑफ ए पर्टिकुलर

Or set of animals, personal things forming a unit. Now one that refers to the group of group of animals, persons. और थिंग्स फॉर्मिंग ए यूनिट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाव जब हम किसी ग्रुप को एक ही ग्रुप को एक नाम से पुकारते हैं चाहे वो एनिमल्स का ग्रुप है चाहे वो चीजों का ग्रुप है चाहे वो पर्सनस का ग्रुप है वेन वी कॉल दीज थिंग्स विद ए सिंगल वर्ड We say this is a collective noun. For example, if we have a group of four or five or ten keys, we say, for example, we say a bunch of keys. A Bunch of keys. This bunch is collective noun. Bunch of keys. A gang of thieves. Gang of थीवस चोरों की एक जमात गेंग ऑफ थीवस गेंग इज ए कलेक्टिव नावन फॉर एग्जांपल प्राइड ऑफ लाइन प्राइड इज ए कलेक्टिव नावन टीम ऑफ प्लेयर्स टीम जो है ये कलेक्टिव नावन है दिस इज द ग्रुप ऑफ पर्सनज इन द सेम वे हेड ऑफ फैलोज एनिमल का ग्रुप होता है हेड इसी तरह बेंच ऑफ जजेस की बात हम करेंगे बेंच ऑफ जजों का एक बेंच स्पेक्टेटर्स होता है दीज थिंगज वर्ड्स विच रेफर टू द ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन नाओ वी विल डिस्कस मेटीरियल ना मेटीरियल ना नाउन हमें पता है जो डिफरेंट चीजें हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती हैं तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल्स नेम ऑफ मटेरियल्स यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स फॉर मेकिंग थिंगस जो मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए इनग्रेडेंट्स यूज होते हैं उनको हम मटीरियल नाम कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड 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 ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आता है वुड वुड से फर्नीचर बनते हैं स्टील स्टील इज यूज टू प्रोड्यूस टू मेक यूटेंसल सीमेंट सीमेंट से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं तो दीज थिंग्स विच और यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स और कॉल्ड मटीरियल नावल्स तो अब हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नावल है नावन है वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर Okay, thank you.